आप सभी का स्वागत है कि नहीं फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाला आपके भी फ़ोन में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह आता है तो उस नोटिफिकेशंस को कैसे बंद कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। मेरे पास नोकिया का फ़ोन है, नोकिया के किसी भी डिवाइस में आप नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऑल सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से किसी भी ऐप्स का नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल डू का बंद करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से बंद कर रखा है आपका इस टाइप का होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आप इजीली बंद कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी ऐप्स का नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे ऐप्स है किसी का भी, आप इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे मैंने डिजेबल कर रखा है आप भी डिजेबल कर सकते हैं यहाँ से।